तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है। मिश्रा ने कही उसी बात को मैं उठाना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट बात थी, मैं आपसे समझना चाहूंगा जो बात एके मिश्रा ने कही जी, कहां चूक हुई? ढिलाई को करने में जो मिश्रा जी ने कहा, मैं उसको मानता हूं कि साहब जी, सुनिए सुनिए जो सवाल उठाया एके मिश्रा ने उसका लॉजिक सुनिए। तो चलिए सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ, आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ संगे एके मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विशेषक हैं। तो चलिए सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ, एके मिश्रा सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। भैया दिल्ली पुलिस का डर खत्म हो गया इसका मतलब ये मान ले? नहीं देखिए, डर केवल सवाल दिल्ली पुलिस का नहीं है साहब, दिल्ली पुलिस के ऊपर कौन बैठा हुआ है। डर एक आइडियोलॉजी का खत्म हो गया, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का खत्म हो गया, एक पॉलिटिकल क्लेम जो किया गया था आज के 2014 से, एक क्लेम किया गया था एक पार्टी के द्वारा कि हम आएंगे तो ये होगा वो होगा, सड़कें ऐसे सुरक्षित हो जाएंगी, ये ऐसे सुरक्षित हो जाएगा, जनता ऐसे सुरक्षित हो जाएगी, क्लेम अभी तक हो रहा है। डर उस वादे का खत्म हो गया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस का मैं देखिए, मैं ये बोलूंगा पुलिस के ऊपर तो मैं ऑलरेडी विश्वास करता नहीं हूं, ये पहुंचते तब है जब घटना हो जाती है। कहां पे पुलिस पहुंची है घटना होने के पहले? मैं यही चीज बोलता हूं, दक्षता ये होती है कि घटना होने के विद इन 10 मिनट के भीतर पहुंचो। पीसीआर का नियम होता है कि 20 मिनट के भीतर आप पहुंचिए, वहां पहुंचते ही नहीं है, एक घंटे डेढ़ घंटे कितने घंटे तक ये घटना चलती रही और पुलिस वहां से नदारद रही। इनसे ये पूछिए दिल्ली जैसे शहर में अगर सरकार के आदेश में पुलिस 10 मिनट के भीतर, चांदनी चौक में अगर पुलिस 10 मिनट के भीतर नहीं पहुंच रही है तो यूपी में और रिमोट के इलाकों में क्या हालत होगी सर? ये व्यवस्था आप लोग दे रहे हो, ये भर रहे हो आप लोग। संदीप द्विवेदी जी सुनिए सुनिए जो सवाल उठाया के मिश्रा ने उसका लॉजिक सुनिए जी, सुनिए सुनिए जो सवाल उठाया के मिश्रा ने उसका लॉजिक सुनिए। देश में सांप्रदायिक घटनाएं, पैनल में सभी मौजूद है, ध्यान से सुनिएगा। 2014 से मैं शुरू कर रहा हूं, 2014 में 644, 2017 में 822, 2014 से 27% की बढ़ोतरी, 2017 में 111 की मौत, 2016 में 703 घटनाएं, 2016 में 86 घटनाएं और इसके बाद 2015 में 751 घटनाएं, 2016 में 97 घटनाएं। ये आंकड़ा है साहब, बोलिए सर। अब एक सेकेंड कौशिक साहब, कौशिक साहब मुद्दे पे आएंगे, कौशिक साहब मुद्दे पे आएंगे, नहीं आएंगे, एके मिश्रा के पास जाएंगे। ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो सबका नीचे, कौशिक जी ऑडियो नीचे है, कौशिक जी ऑडियो नीचे है, एके मिश्रा, एके मिश्रा ये सिलेक्टिव राजनीति नहीं तो फिर क्या है? ये नहीं, प्योर प्योर सिलेक्टिव है। मैं तो चावला जी हर बार एके मिश्रा का और सबका ऑडियो कि पार्टी कोई भी हो पहले अपना राजनीति सीखती है। मैं बताता हूं, मंदिर तोड़कर सरकार बनाने वाले लोग मंदिर टूटने पे चुप है। कितना बीजेपी ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर की यह घटना है, आज 3-4 दिन हो गए हैं। दूसरी चीज, एक चीज आप और ये बताइए, बीजेपी को लोगों ने चुना ही इसलिए था कि सब लोग सुरक्षित रहें और ये बीजेपी का एजेंडा भी रहता है। साहब जब भगवान नहीं सुरक्षित है, मूर्तियां नहीं सुरक्षित हैं, तो देश की जनता इनसे कैसे क्या उम्मीद करेगी कि ये हमें सुरक्षा देंगे? कहीं अलीगढ़ में 2.5 साल के बच्ची का रेप हो जाता है, मेरठ फिर से कराना बन रहा है, क्या बन रहा है, और उसके बाद ये लोग पीटे जा रहे हैं कि जी हम सुरक्षा दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। 3 दिन में क्या किया इन लोगों ने और ये घटना हुई क्यों? कहां आपका खौफ है? जो मोदी जी बोलते हैं कि हमारा खौफ यहां है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये किया वो किया, नाक के नीचे बैठी हुई मक्खी आपको दिखाई नहीं देती है, चिराग तले अंधेरा इसी को कहते हैं। और हुआ क्या, बस जी पुलिस कमिश्नर को जो है तलब कर लिया, सारा काम खत्म हो गया। इस तरीके से शासन और प्रशासन चलता है? आप इनसे पूछिए बीजेपी वालों से, जो लोग सरकार में से चलता है या केरल की तरह से चलता है? आ गया ना बंगाल, केरल में आ गया ना बंगाल। मिश्रा जी ओके ओके, जानकारी के लिए बता दूं कितने दिन पहले आप मंदिर गए थे, जरा बताएंगे यहाँ पे? संभाल लीजिए, आप बताइए कितने दिन पहले मंदिर गए थे? संदीप द्विवेदी आप बैठ के सर्टिफिकेट बांटेंगे मंदिर बांटने का, मंदिर जाने का? संदीप द्विवेदी, संदीप द्विवेदी, संदीप द्विवेदी आप ये तय करेंगे कि मंदिर कब जाएंगे? ये नहीं कर रही सरकार, वो नहीं कर रही है, चैलेंज करते हैं। बंगाल जाके देखिए आपको दिल्ली 200% सुरक्षित दिखेगा, केरल जाके देखिए आपको दिल्ली 200% सुरक्षित दिखेगा, कर्नाटक जाके देखिए आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं आज खुलेआम वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, आपको इतना बड़ा बहुमत इसलिए दिया गया था कहीं ना कहीं वहाँ पे कि मंदिर टूटना शुरू हो,
मैंने देखा, मुझे लग रहा है साहब हम तो बाबर और औरंगजेब के जमाने में जी रहे हैं। हुआ जाता आप मंदिर बीजेपी का सेंट्रल जो है ऑफिस जो है 1100 करोड़ का 5 किलोमीटर की दूरी पर, आप बताइए कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस हरकत में आ रही है, आप मंदिर की आरती में शामिल नहीं हुआ जाता, ठेकेदार बनेंगे हिंदू धर्म के और मंदिरों के। अरे सर ठेकेदारी तो आपकी है संदीप द्विवेदी, अपना काम किया, एक सेकंड रुकिए, तो मंदिर भी टूटता और हिंदू संदीप द्विवेदी, संदीप द्विवेदी, संदीप द्विवेदी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, की बात की है, एक सेकंड, आपके ऑफिस के नाक के नीचे ये घटना हुई है, एक दूर दराज हुआ होता तो नाक के नीचे जो आपका मंदिर है उसमें आरती पे नहीं जाया जाता और मंदिरों का सर संदीप द्विवेदी मंदिर की आरती में शामिल हो रहे हैं संदीप द्विवेदी, 400-500 लोग संदीप द्विवेदी अपनी नाकामियां छिपाने के लिए डिबेट का स्थल गिरवाएंगे आप लोग, एक सेकंड रुकिए, सामाजिक तौर पे आपकी भी योगेश सोनी का ऑडियो उठाइएगा, एक के मिश्रा एक सेकंड आ रहा हूं मैं आपके पास, एक के मिश्रा ये राजनीतिक एक्सप्रेस हो रही है, इस वजह से संदीप द्विवेदी परेशान हो रहे हैं और साबिर अली साहब परेशान हो रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, अरे सर आपको बंगाल दिखाई देता दिल्ली दिखाई दिखा, क्या बंगाल दिखाई देता दिल्ली दिखाई देता, कितनी एडवाइजरी जारी की है, कितने लोग मारे गए, कितने घर जल गए, बोलिए आतंकवादी थे, आप एक हिंदू को टोपी और दाढ़ी के साथ भेज दीजिए ये उसी को आतंकवादी बोल देंगे, अरे सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने मंदिर तोड़ा को आप आज बीजेपी में भेज दीजिए, एक मिश्रा का ऑडियो उठाइए, आगे आपके पास आ रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो आम आदमी पार्टी के नेता जी बोल रहे हैं और जो वकालत कर रहे हैं इन चीजों की, सर आप एक चीज ये देखिए आपके घर आपका सोसाइटी आपका कल्चर आपके ऐसे लोगों की एकदम करप्शन करने की मशीन बनी हुई है, राजनीति जनता के सामने जहाँ आप देखेंगे वही इस तरीके के लोग आ रहे हैं, एक सेकंड एक मिश्रा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो बड़ी पीड़ा होती है, जो बड़ी तकलीफ होती है, मिश्रा ने कही उसी बात को मैं उठाना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट बात थी, तो बड़ी पीड़ा होती है, जो बड़ी तकलीफ होती है, मिश्रा ने कही उसी बात को मैं उठाना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट बात थी, एक मिश्रा ने कहा कि भैया 10 मिनट में पीसीआर को पहुंच जाना चाहिए था, ये तकनीकी बातें हैं, ये बातें तकनीकी है कि पीसीआर को पहुंचना चाहिए, नहीं 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 मैं उस चूक को समझना चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भविष्य में सबक सीखना होगा, भले ही संदीप द्विवेदी कहे कि पुलिस कमिश्नर को चाय पे बुलाया गया था, वो चाय पार्टी हो रही थी शायद और हम लोग सोच रहे थे कि तलब किया गया है और संदीप द्विवेदी बता रहे कि भैया वहां पर चाय पार्टी हो रही थी शायद गृह मंत्री के साथ पुलिस कमिश्नर की, पवन अग्रवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा जो बात एके मिश्रा ने कही जी कहां चूक हुई, मैं आपसे समझना चाहूंगा जो बात एके मिश्रा ने कही जी कहां चूक हुई, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसके अंदर जिम्मेदार है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसके अंदर जिम्मेदार है, आतंकवादी बुरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं कश्मीर में, कश्मीर सुन लीजिए मिश्रा जी सुन लीजिए, कश्मीर में आप ना जाएं, सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान ना दें, वास्तविक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, केवल आरोप प्रत्यारोप करने से या पुलिस की ढिलाई को करने में जो मिश्रा जी ने कहा मैं उसको मानता हूं कि साहब ढिलाई को करने में जो मिश्रा जी ने कहा मैं उसको मानता हूं कि साहब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास बिल्कुल स्पष्ट खबर है कि इस प्रकार की गतिविधियां पाकिस्तान भारत में कराएगा, अरे साहब इतनी बड़ी फौज इतना पावरफुल गवर्नमेंट है हर चीज है कुछ भी हो पाकिस्तान, अरे अपने लोगों को सुधारिए ना, जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनके ऊपर नाम क्यों दिखा रहे हैं, मिश्रा जी आप जमीनी हकीकत से बहुत दूर है, आप जो कह रहे हैं सुनिए, दूर मैं नहीं दूर पुलिस है सर आपकी, नहीं नहीं देखिए चांदनी चौक में दिल्ली की पुलिस अगर 5 मिनट में नहीं पहुंचती है तो क्या आप कौन दूर है सर, मैं दूर हूं कि आप दूर हैं, हर घर के सामने पुलिस का सिपाही नहीं खड़ा हो सकता, जहाँ पे घटना हुई आप है ना, वहाँ के 50 मीटर के दायरे में 50 पुलिस वाले खड़े हैं, आप स्वयं में पुलिस वाला बनिए ना, पुलिस जैसा अलर्ट रहिए ना, आप स्वयं अलर्ट होते नहीं है, आप उठा करके सारी समस्या के लिए मूल रूप से सरकार को पुलिस को प्रशासन को आप उन सब लोगों को दोषी बना देते हैं और फिर दोष आप दे दीजिए, आपके घर के सामने झगड़ा हो रहा होगा, आप ये नहीं कोशिश करेंगे चांदनी चौक में खड़ी हुई पुलिस दोषी बनाइए
लिए आप स्वयं जिम्मेदार कब बनेंगे? पवन अग्रवाल, सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप स्वयं जिम्मेदार कब बनेंगे? एक सेकंड सर, देशद्रोह के वो टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर तो इतना बवाल हो जाता है सर, वही तो सबसे बड़ी बात है। आज भी वाला एक सेकंड है, एके मिश्रा एक सेकंड, अब देखिए स्थिति को समझिए, आप तुरंत आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। मैं कहता हूँ उन्होंने चूज नहीं करा, ओके एके मिश्रा लास्ट 10 सेकंड प्लीज जल्दी से। देखिए क्या होता है, चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे नेता, घटना कुछ भी हो जाए, चींटी भी मर जाए, कुछ भी हो जाए, पहले अपना राजनीतिक फायदा, वोट बैंक ये सब ले लेंगी, उसके बाद जो होता है वो होता है। चांदनी चौक की घटना यही है। मेरा एक ही सवाल है, अभी जो ये हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे, पाकिस्तान का एजेंट 3000 किलोमीटर दूर पहुंच गया और 100 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी से पुलिस नहीं पहुंची वहां पे 10 मिनट के भीतर। ओके तो पहले ये पॉलिटिकल जो है फायदा लेने की कोशिश करते हैं, फिर एक्शन होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपने अपने हिसाब से ये पार्टियां बोलती हैं, कोई तबरेज पे बोलेगा तो कोई कहीं चुप रहेगा। ओके तभी मैंने कहा ये सिलेक्टिव राजनीति, पहली ही बात मैंने संदीप द्विवेदी से कही थी कि आखिरकार ये सिलेक्टिव राजनीति कब तक होगी। ना सिर्फ संदीप द्विवेदी की बात, यहाँ साबिर अली आपको भी समझना चाहिए, दोनों आप लोग जो है सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, ना सिर्फ आप दो बल्कि वो राजनीतिक दल जो धर्म के लिहाज से कहते हैं कि भैया हमें धर्म के लिहाज से मत जोड़िए, लेकिन जब बात ऐसी घटना की आती है तब आप लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। केजरीवाल को बोलिए चुप्पी तोड़े, हम बहुत बहुत शुक्रिया।